आज गुलमोहर का पौधा लगाया है, वृक्षारोपण का अभियान जारी है और कोरोना के खिलाफ संघर्ष भी लगातार जारी है। आप लोग कवर रखें तो मैं थोड़ी देर के लिए खोल लेता हूँ। आप सभी अपील है कि लगा के रखें मास्क, क्योंकि मास्क ही सबसे प्रभावशाली बचाव है। मैं रोज सवेरे भी कई प्रभावित जिलों से बात करता हूँ, आज शाम को फिर कोरोना की समीक्षा है और तीनों तरह के प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। एक, संक्रमण रोकने के लिए लोग मास्क लगाएं, इसका आग्रह, कोई लापरवाह ना रहे, आग्रह भी कर रहे हैं, अति आग्रह भी कर रहे हैं। मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि रंग पंचमी के दिन भी आत्मानुशासन का परिचय दिया। इंदौर भोपाल जैसे शहरों में भी जहां रंग पंचमी की धूम रहती थी, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जनता ने घरों पर ही रंग पंचमी का त्यौहार मनाया। मैंने भी अभी 5 तारीख को सिंधिया जी के साथ हमारा दौरा था, पोहरी का, मुंगावली का बड़ा कार्यक्रम था, पेयजल योजनाओं के शिलान्यास का, लेकिन हमने उसको स्थगित कर दिया है। और पूरे प्रदेश भर में जहाँ जहाँ संक्रमण है, हमारी कोशिश है कि कोई बड़े आयोजन ना हो। छिंदवाड़ा, खरगोन, बैतूल, रतलाम, यहाँ संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन लगाए गए हैं। जो सोमवार के प्रातःकाल तक जारी रहेंगे। अस्पताल में बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं, आज मैं समीक्षा करूंगा, क्योंकि परसों हर जिले को हमने टारगेट दिए थे कि संक्रमितों की संख्या अगर बढ़ती है तो अस्पताल में बिस्तर रहने चाहिए, सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर। और अब हमने कुछ जगह कोविड केयर सेंटर खोलने का भी फैसला लिया है। लगातार बिस्तरों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे इस बात से भी संतोष है कि अब वैक्सीनेशन की गति काफी तेज हुई है और लोग उत्साह से टीका लगवाने आगे आ रहे हैं। वैक्सीनेशन का काम भी युद्ध स्तर पर लगातार जारी रहेगा और जनता के सहयोग से मुझे विश्वास है हम कोरोना संक्रमण की बढ़ती हुई गति पर काबू पाने में कामयाब होंगे। लेकिन फिर यही निवेदन है, ढिलाई नहीं, लापरवाही नहीं, मास्क ज़रूर लगाएं, दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम ना करें और वैक्सीनेशन जरूर करवाएं जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।